बाल्यावस्था से ही असीम शक्तियों के, दिव्य शक्तियों के धनी रहे भगवान हनुमान जी का जन्मोत्सव है। और इसी बीच दैनिक दलुक न्यूज़ चैनल की टीम जो है यहाँ पर पहुँची है खारीघाट स्थित दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर में, जहाँ पर आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि यहाँ पर सवेरे के समय से ही जो है लगभग 4:30 बजे से यहाँ पर भक्तों का आना शुरू हो गया था। भगवान का चोला बंधन यहाँ पर शुरू हो गया था, उसके साथ में ही बहुत सारे ऐसी जो कार्यक्रम है यहाँ पर आना जो है भक्तों के साथ में। और भगवान का जो स्वरूप आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, भव्य स्वरूप जो है, इनकी तैयारी यहाँ पर शुरू हो गई थी 4:30 बजे सुबह के समय से बच गए हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि भीड़ जो है उतनी ही संख्या में जो है और आती जा रही है। और ये तो अभी केवल यहाँ पर दिन का समय है, जब आप शाम के समय यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपको ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी भक्तों की यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। आप मेरे साथ में देख पा रहे हैं यहाँ पर एक भक्त भी हैं। भाई साहब, आप यहाँ पर कब से आ रहे हैं? मैं करीबन 12 साल से आ रहा हूँ यहाँ पर भगवान जी। हाँ, और यहाँ से हमको बहुत कुछ प्राप्ति हुई है। अच्छा। और साक्षात मैं बजरंगबली को देखता हूँ, एक बागेश्वर धाम वाले हैं, एक ये बजरंगबली, बहुत सिद्ध मंदिर है यहाँ पे। और मैं हर शनिवार मंगलवार को ऐसा ही रहता हूँ। आप सप्ताह में 2 बार यहाँ पर आते हैं? जी जी, सप्ताह में 2 बार आता हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर और भी लोग हैं जो हमारे साथ, जिनसे हम यहाँ पर बात करेंगे। भाई साहब, आप यहाँ पर जो है मंदिर कब से आ रहे हैं हनुमान जी के? मेरे को 5 साल से ऊपर हो गए। मतलब 5 सालों से निरंतर आप यहाँ पर आ रहे? जी हाँ। आप हर हफ्ते आते हैं यहाँ पर? हर हफ्ते आते हैं, आज जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आ जाए। अभी हमारे साथ में यहाँ पर संदीप जैन जी हैं, जो कि हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं और यहाँ पर हर मंगलवार हर शनिवार यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर दर्शन करने यहाँ पर भक्त के तौर पर आते हैं। भाई साहब, आप यहाँ पर हर हफ्ते आते हैं दर्शन करने? निश्चित तौर पर ये बड़े सौभाग्य की बात है कि माँ नर्मदा जी की असीम कृपा से और हनुमान लाला जी की कृपा से मेरे को यहाँ दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप किसी संगठन से भी जुड़े हुए हैं? हाँ, मैं निश्चित तौर पर राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी से और सामाजिक क्षेत्र में समरसता सेवा संगठन के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ। और इस बात के माध्यम से, इस मंचों के माध्यम से मैं समाज सेवा संगठन। अच्छा, यहाँ पर देखा जा रहा है हनुमान जन्मोत्सव पर विशाल भंडारा भी कराया जा रहा है, तो आप यहाँ पर परिवार के साथ में आए हैं, अपने जो भंडारा ग्रहण करेंगे आप भी? निश्चित तौर पर भंडारा ग्रहण करना चाहिए भंडारा, लेकिन अभी अन्य मंदिरों में भी पूजन पाठ का काम बाकी है, इसलिए अभी नहीं, लेकिन जब आएंगे तो निश्चित तौर पर भंडारा ग्रहण करेंगे। बहुत हर्ष की बात यह है कि पूरे संस्कारधानी में जगह जगह पे जन्मोत्सव का कार्यक्रम पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है और सनातन परंपरा के अनुसार पूजन पाठ हवन यज्ञ चल रहे हैं, और इसलिए आज बड़े हर्ष और उत्साह का माहौल है। और मैं इसके लिए आज द लुक चैनल को भी बहुत बहुत बधाई प्रेरित करता हूं कि वो ऐसे पवित्र पावन कार्य को अपने चैनल के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अच्छा, तो आपने देखा कि आज देश के हर कोने में हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जबलपुर में भी हनुमान जन्मोत्सव की बड़ी धूम है और यहाँ पर भक्तगण जो है बड़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर मंदिरों में जो है मौजूद हैं, मंदिरों में पहुँच रहे हैं, चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, कुछ भंडारे में सहयोग कर रहे हैं, इसी तरीके से अपनी सेवा भी प्रदान कर रहे हैं। तो अभी हमारे साथ में यहाँ मंदिर के परिसर में और श्रद्धालु गढ़े और हमारे साथ में यहाँ पर पंडित जी भी हैं जो पुजारी हैं यहाँ के। पंडित जी, अच्छा, आप जो देखा जा रहा है यहाँ गौरी घाट का नाम गौरी घाट भी कर दिया गया, गौरी घाट, ये वैसे वास्तव में कहा जाए तो ये गौरी घाट पहले से ही है, पहले ही से है ना। अब जैसे ये जावालीपुर था, इसके बाद जबलपुर हो गया, उसी प्रकार ये गौरी घाट, भगवती किसी समय पे भगवती जगदम्बा गौरी माता यहाँ पे आराधना की थी भगवान भोलेनाथ की। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मैं राकेश गिल। आप? मैं विगत 15 से 20 वर्षों से लगातार यहाँ आ रहा हूँ। बाबा जी का आशीर्वाद, हनुमान जी का दिल से अगर मांगा जाए तो पूरा आशीर्वाद उनके होते हैं, आपकी पूरी मनोकामना पूरी होती है इधर। और जैसा महाराज बताएंगे, बरसात के समय नर्मदा जी भी ऊपर तक आती हैं। नर्मदा जी की तो महिमा कहना क्या है, बड़े गौर से सुनेंगे तो हमारे मंदिर का जो घंटा है वो भी जब बजता है उसकी जो तरंग उठती हैं तो राम के जयकारे पे ही उठती हैं और उन्हीं में समा जाती हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजीवनी रघुवंशी है और हम तो बहुत सालों से यहाँ आ रहे हैं और ये बहुत सिद्ध मंदिर है। ऐसा मानना है कि यहाँ पर पर्दा लगाने के बाद माँ नर्मदा के दर्शन करने के लिए बाबा जी पर्दे को अलग कर देते हैं। और हमारे का नाम क्या है? सुखविंदर। अच्छा, तो आप यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आए? जी। अच्छा, जन्मोत्सव पे आए या फिर हमेशा आप आते रहते हैं यहाँ पर? पापा आते हैं ट्यूसडे टू ट्यूसडे, कभी कभी मैं भी आ जाती हूँ उनके साथ। तो यहाँ पर आपने देखा कि हनुमान जी की जो है महिमा जबलपुर में, और ख़ास तौर से ये बताया जाता है यहाँ पर कि जितने भी जबलपुर के बड़े नेता हुए हैं वो यहाँ से ही जो है निकलते हैं, यहीं से जो है दर्शन करते हैं। और चूंकि यहाँ पर देश के राष्ट्रपति और जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वो भी यहाँ पर जो है आ चुके हैं,
अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि लोग यहाँ पर बाहर से ही हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं। जो भी लोग अपनी यहाँ पर मनोकामनाएं लेकर के आते हैं उनकी यहाँ पर मनोकामनाएं जो है सारी पूरी होती हैं। नमस्कार, मैं निमेश मिश्रा और आप देख रहे हैं द लुक न्यूज़ चैनल।